हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं बिहार श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है सिंघू भाई। मिलते हैं सिंघू भाई से और बातचीत करेंगे आज मास्क के दिखाने वाले, और आज बात करेंगे कि लोडिंग कैसे होती है और सब जानकारी लेंगे। नमस्कार सिंघू भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार। आज हम आज का दिखाने वाले हो भाई। अभी अपने पास में ये 150 गोट का लोट है सिरोही का, जो ये माल अपना अभी लोड हो रहा है जी, एमपी के लिए अभी लोड हो रहा है। और एमपी में हमारे राठौर साहब भी आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, आप उनसे भी थोड़ा परिचय कर लीजिए। नमस्कार राठौर साहब, तो आप कहाँ से हो? एमपी। एमपी में कहाँ से? उज्जैन के पास जाएंगे। उज्जैन के पास में, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप कितने दिन का ऑर्डर दिया इनको? हमने 105। कब दिया था ऑर्डर? ये 5 तारीख। 5 तारीख यानी कि कब? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी ऑर्डर दिया है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको आपका अच्छा माल मिला? बढ़िया, एक नंबर। आप सेटिस्फेक्शन हो? बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी लोडिंग हो रहा है सिंघू भाई, है ना भाई? देखो ये अपना 150 गोट है जी। इसमें 143 तो फीमेल है जी। और साथ इसमें ब्रीडिंग मेल है, सब सिरोही का माल है। ये अपना एमपी जांगीरपुर ये माल जाएगा। लोडिंग भी चालू है, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा सकते हैं। तो ये लोडिंग कम्प्लीट अभी चालू है। तो ये जो सर अभी लोडिंग करते हैं, तो अभी लोडिंग करने के बाद वहाँ पर कोई तकलीफ थोड़ी आती है? ड्राइवर को तकलीफ नहीं, हम इनका वैक्सीनेशन है, जो एंटीबायोटिक एले वगैरह है, जो पहले हम ट्रेस की वजह से वो इंजेक्शन लगा दिया हमने। अच्छा, बाकी अभी लोडिंग चालू, ऊपर वाला कंपटीशन। अच्छा, ऊपर भी डाला हुआ है क्या? जी भाई, ऊपर डाला हुआ है। अभी इसमें नीचे वाला कंपाउंड अपना लोड हो रहा है ये गाड़ी। अच्छा, तो ऊपर कैसे डाला आपने भाई? ऊपर पार्टीशन में डालना पड़ता है, ये फार्मिंग बकरी है, कटिंग का माल नहीं है। अच्छा, तो तरीके से डालना पड़ता है, थोड़ा सेफ्टी से डालना पड़ता है माल। अच्छा अच्छा, फार्मिंग माल अपना, कटिंग माल। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सिंघू भाई, जैसे आज जानकारी दीजिए कि आपका लोडिंग किस टाइप की हो रही है, और आपके पास जैसे बकरियां है, तो आप बकरियां किस टाइप की बकरियां लाते हो और कौन सी नस्ल है भाई? देखो ये अपने सब सिरोही नस्ल की बकरी है जी। फर्स्ट टाइम सेकंड वाल वाले ये पट है, आप देख सकते हैं। देखो ये बकरी है, क्वालिटी देखिए आप, बिल्कुल शानदार। चार दांत में बकरी है, क्वालिटी देखिए आप, बकरी की साइनिंग देखिए आप, बिल्कुल। देखो अपने पास ब्रीडिंग मेल भी है जी। ये अपने पास ब्रीडिंग मेल है, क्वालिटी देखिए आप बकरों की, बिल्कुल बिल्कुल अदंत माल है। ये अदंत बच्चा है, काफी बढ़िया बच्चा है, ये तो अदंत बच्चा है, बाकी चमक वाला माल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी काफी बनेगा, तो अभी बहुत बनेगा भाई, बनेगा। देखो ये ब्रीडिंग मेल है, बिल्कुल। बहुत शानदार माल है, बहुत शानदार, अच्छी क्वालिटी का माल है। चार दांत की, बिल्कुल चार दांत की बकरियां। तो पूरा का पूरा लोड अभी जा रहा है, और पूरा का पूरा लोड सेल आउट हो चुका माल। ये 150 गोट है, जो एमपी जाएगा जांगीरपुर, बिल्कुल। तो सिंघू भाई, जैसे कि अपन बात बताइए कि इनका रेट क्या हिसाब से फैला हुआ है? एलएलएम वाले उसमें जाएगी, उनको 500 बकरी देना, ये हमारा फर्स्ट लोट है इनके। अच्छा, ये 13,500 की पट्टी से हमने दिया है, 13,500 की पट्टी से अभी लोड हो रहा है, और टोटली कम्प्लीट कितना? 150 नंग है। हाँ, इसमें 7 बकरे हैं, बाकी 143 बकरी। चलो बहुत अच्छी बात है, काफी। देखो ऐसे ट्रक लोड होता है, जैसे देख सकते हैं आईसर पूरी लोडिंग होती है, ऐसे 160 नंग की लोडिंग हो रही है। इसके अंदर कैपेसिटी कितनी होती है भाई? इसमें कैपेसिटी है 250 बकरियों की कैपेसिटी है। 150 डालते हैं। अच्छा अच्छा, तो 150 भी फार्मिंग डल रहा है। अगर किसी भाई को ज्यादा का भी लोडिंग हो, तो उसमें आराम से डाल सकते हैं, कैपेसिटी बहुत है। और ऐसे आगे देखो, जैसे लोडिंग होती है यहाँ पर, और ऐसे सेफली यहाँ पर ऐसे चढ़ाया जाता है, तो ऐसे फेंका नहीं जाता है, आराम से चढ़ाया जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट बकरियां है, तो इनको चालू ट्रांसपोर्ट में कोई लोड नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। और वैक्सीनेशन कम्प्लीट है, पूरा कम्प्लीट है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये थी कुछ जानकारी बीएसडी गोट फार्म के ओनर के बारे में। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक को वीडियो देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। ये कुछ लास्ट और देख लीजिए किस टाइप से लोडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।